हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। अगर आपको पावर पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं भी आता तो भी आप बना पाएंगे और एकदम प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना पाएंगे। तो हमें करना क्या है, इसके लिए हमको लेफ्ट साइड में ऊपर के रिबन में फाइल टैब पे जाना है। ये रहा फाइल टैब, इस पर क्लिक करिए तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर राइट साइड में आपको मोर थीम्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये रहा मोर थीम्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें बिजनेस वाले सेक्शन में क्लिक करना है। ये रहा बिजनेस का सेक्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इस ऑप्शन के लिए आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे टैम्पलेट आपके सामने आ गए, कोई भी एक आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये ब्लू स्फेयर्स प्रेजेंटेशन जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ से क्रिएट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने ये देखिए पूरा टैम्पलेट आ गया। अब आप इसको बस अपने हिसाब से एडिट करते जाइए और आपका शानदार बिजनेस प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार है।